आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है कि कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो क्या कर रहा है? किसी कार को स्टॉप करने के लिए विसिल बजा रहा है जो कि उसकी तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, ठीक है। और कार ड्राइवर क्या होता है, रुकता नहीं है और उसको क्या हो जाती है, उसे कोर्ट ले जाया जाता है क्योंकि उसने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया बिकॉज ऑफ डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ डॉपलर शिफ्ट उसे फ्रीक्वेंसी क्या हुई, सुनाई नहीं दी, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट की वजह से उसे फ्रीक्वेंसी सुनाई दी थी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई वो कहाँ चली गई, बियॉन्ड द ऑडिबल लिमिट के बाहर चली गई, ठीक है। मतलब जो उसकी स्पीड इतनी थी कि कह रहा इतनी थी कि वो क्या हो गई, ऑडिबल रेंज के बाहर चली गई। एंड ही डिड नॉट हियर। 20 किलो हर्ट्ज़ क्या होता है, हमारा हियरिंग वो होता है लास्ट रेंज होता है, इससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज़ को हम नहीं सुन सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि जो विसिल थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 16 किलो हर्ट्ज़ थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो वो ड्राइवर क्या करता है, क्लेम जो ड्राइवर का क्लेम है वो सही है या नहीं, ठीक है। वो क्लेम किया कि उसे वो विसिल सुनाई नहीं दी, तो ये हमें बताना है कि उसका जो क्लेम है वो ट्रू है कि नहीं। हाउ फास्ट द ड्राइविंग कार इज़, ये भी बताना है कि उसकी स्पीड कितनी थी, कितनी तेज़ी से वो ड्राइविंग कार मूव करी थी, ये भी बताना है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कि कितना लेना है, 330 मीटर पर सेकेंड। और ये भी पूछा है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, टूडेज टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, हमारा ऑडिबल रेंज है वो कितना है, 20 किलो हर्ट्ज़ है, तो ये मैक्सिमम है। तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 किलो हर्ट्ज़, इसको लिख सकते हैं 20 × 10³ हर्ट्ज। और दूसरा एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 किलो हर्ट्ज, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 10⁻³ कितना लिख सकते हैं, 3 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और हमें ऑब्जर्वर तो हमारा क्या है, मूविंग है, और सोर्स किस में, अरेस्ट में है, क्योंकि पुलिस वाला क्या कर रहा है, विसल बजा रहा है। तो वी ऑब्जर्वर हमें फाइंड करना है, वी सोर्स क्या है, 0 है, वी ऑफ साउंड क्या है, ये कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो डॉपलर इफेक्ट से जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट वी साउंड प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी साउंड प्लस माइनस वी यहाँ सोर्स होता है, ओके। तो सोर्स तो रेस्ट में, ये टर्म 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पुलिसमैन की तरफ। तो जब अप्रोच करता है ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 × 10³ इक्वल्स टू 16 × 10³। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 330 प्लस यहाँ पे वी ऑब्जर्वर अपॉन 330, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या होंगी, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से हम अगर इसको भी कैंसिल करें तो ये 10 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, और कैंसिल करेंगे तो 5, 4, ओके। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 = 4, ये कितना आएगा, 330 प्लस वी नॉट अपॉन 330, ये आएगा, ओके। यहाँ से इस 330 को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, 330 × 5, ये क्या हो जाएगा, 4 × 330 + 4 वी ऑब्जर्वर। वी ऑब्जर्वर ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1650 = 1320 + 4 वी ऑब्जर्वर। दिस इम्प्लाइज दैट 4 वी ऑब्जर्वर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1650 - 1320, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा, ये आएगा 330। तो 4 वी ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी आ गई, 330। तो वी ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, 330/4 m/s, ओके। तो ये वैल्यू काफ़ी लार्ज वैल्यू है, अगर इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते तो हम इसको किलोमीटर पर उसमें चेंज कर लेते हैं। तो वी ऑब्जर्वर क्या आ जाएगा, 330/4 × 18/5। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 297 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये बहुत लार्ज वैल्यू है और ये किसी कार के लिए अचीव करना
एक तरह से नामुमकिन है। मतलब टुडे की टेक्नोलॉजी तो इतनी तेज़ नहीं है कि वो क्या कर सके, इस स्पीड को अचीव कर सके। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो वो क्लेम कर रहा है, तो जो क्लेम वो कर रहा है वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ओके,